हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक रिटेलर हैं और आप एयरटेल का न्यू सिम कार्ड एक्टिवेट करते हैं और आप कुछ दिनों से अगर परेशान हैं, आपका न्यू एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है आपके मोबाइल पे, अगर जब भी आप डिजिटल एक्टिवेशन पे जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से पॉपअप आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए नहीं। और आज की इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसका सलूशन, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि टेलीकॉम से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं। आप जब भी बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख के लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसका सलूशन आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना मित्रा ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप अपना मित्रा ऐप ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे लापू नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना लापू नंबर इंटर कर देंगे। जैसे ही आप अपना लापू नंबर इंटर करते हैं तो ठीक इसके नीचे आपको लापू पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपना लापू पासवर्ड भी इंटर कर देंगे। जैसे ही आप अपना लापू पासवर्ड इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने मोबाइल पे कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे आपको मैसेज पॉपअप होगा, आप उसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड डिजिटल एक्टिवेशन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उस जगह पे उसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आपके स्क्रीन पर आएगा, तो आप उसे ओके पे टाइप कर देंगे। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको रिटेलर लाइव फ़ोटो आपको मांगा जाएगा, तो आप इस जगह पे अपना रिटेलर का लाइव फ़ोटो कैप्चर कर देंगे। जैसे ही आपका रिटेलर का लाइव फ़ोटो कैप्चर हो जाता है तो यहाँ पे डन पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके कर देते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिटेलर नेम यहाँ पर आ जाता है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर शॉप नेम आ जाता है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपका रिटेलर का एड्रेस आ जाता है। साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं आपको लैंडमार्क वगैरह एड्रेस वगैरह भरना पड़ता है, तो आप यहां पे भर देंगे। अब जो भी आपका यहां पे फिलअप हो जाता है उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका यहां पे पिन नंबर आ जाता है एरिया का, साथ ही साथ आपका कंट्री आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप भर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप एम पिन को दोबारा से फिलअप करते हैं तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शॉप का यहाँ पे कैप्चर आपको मांगा जाएगा, अगर आपके पास शॉप का रजिस्ट्रेशन कुछ किया हुआ है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने को आएगा, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना चाहते हैं आप वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे उसका फ्रंट साइड का फ़ोटो आपको कैप्चर करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे आप टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ोटो फ्रंट साइड का, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्रंट साइड का फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है, इसे सही तरीके से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से क्लिक हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो आपका फ्रंट साइड का फ़ोटो सेव हो जाता है। आपको बैक साइड का डॉक्यूमेंट का बैक साइड का फ़ोटो कैप्चर करना है, तो फिर से आपको उसी तरीके से प्रोसेस करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसका बैक साइड का भी आप फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आपका फ़ोटो सही तरीके से क्लिक हो जाता है तो आप देख सकते हैं आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड डन, तो आप सेव एंड डन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेम POA पे क्लिक कर देना है यहाँ डब्बे पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली दोनों कैप्चर हो जाता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, जो रेड कलर पर यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे।
जैसा ही आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके मोबाइल पे मित्रा ऐप में कुछ एक मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है रिटेलर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। आपको ये वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसा ही आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाता है तो आप अपना मित्रा ऐप को लॉग आउट कर लेंगे। जैसा ही आप लॉग आउट हो जाते हैं मित्रा ऐप से, फिर से आपको लॉगिन करना है अपना लापू नंबर और पासवर्ड इंटर करके। तो चलिए हम अपना लापू नंबर और पासवर्ड इंटर कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड डिजिटल एक्टिवेशन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, और ये ओपन हो जाता है आपका डिजिटल एक्टिवेशन प्रोसेस एक्टिवेट शुरू हो जाता है, और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी प्रकार से। आपका न्यू सिम एक्टिवेट करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बेहिचक बिना कोई प्रॉब्लम के आप न्यू सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो से रिलेटिव सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।